दर्शकों को टीम स्माइल फॉर ऑल यूपी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोगों ने पूरी टीम के साथ स्कूलों का दौरा करा, जिसमें हमने पाया कि बराबर हमारे बच्चे स्कूल आ रहे हैं। और अपने टीम के साथ दो स्कूलों में दौरा करा, एक विंध्य ज्ञान पब्लिक स्कूल और दूसरा बाल विकास नर्सरी एंड जूनियर हाई स्कूल। तो हमें वहाँ देखने को मिला बच्चे प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, वो जब से सेशन स्टार्ट हुआ है तब से वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं। और बाल विकास में करीब 184 के करीब बच्चा हम पढ़ा रहे हैं। विंध्य ज्ञान पब्लिक स्कूल वहाँ हमारा 40 बच्चा ऐसा है जो कि इस चीज़ का लाभ ले रहा है, वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू कर पा रहा है स्माइल फॉर ऑल की तरफ से। मेरा नाम माही सरोज है। सर, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है और मेरा एडमिशन स्माइल फॉर ऑल के थ्रू हुआ है। सर हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, डेली इवनिंग क्लासेस और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सर स्माइल फॉर ऑल। पापा मम्मी को नहीं देना पड़ता? नहीं सर। क्लास में है? 8th में। जी मेरा नाम बंटी है और मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। और ये मेरे मम्मी पापा फीस नहीं देते, ये स्माइल फॉर ऑल की तरफ से सीएम सर देते हैं और हम लोगों को पढ़ने के लिए अच्छा एक सुनहरा मौका दिए हैं और मेरे साथियों का भी ये मतलब फीस जमा करते हैं। कब से पढ़ रहे हो? इस स्कूल में हम 5 से नाम लिखवाए हैं और 5 साल फीस भर रहे हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिंह नंदिनी है। मैं इन बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने का और इनको देखने का काम करती हूँ और मेरा मेन फोकस है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए और अच्छे से उनका ध्यान दिया जाए और थोड़ा सा सिस्टम के अप्रोच को और एजुकेशन के अप्रोच को थोड़ा सा और इन्हांस किया जाए, बेटर किया जाए। बहुत ज़्यादा, हाँ, क्योंकि हम आते हैं और इनसे मिलते हैं तो इनको भी अच्छा लगता है और हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा हमसे रिलेशन अच्छे से जुड़े हुए हैं। वैसे तो मैं एजुकेशन अपना मैं मुंबई से ली हूँ और फिर मैं यहाँ पर इलाहाबाद में फिर शिफ्ट हुई प्रिपरेशन के लिए, देन फिर मैं दिल्ली गई हूँ। तो अलग अलग जगह का मैं एजुकेशन देखी हूँ तो बहुत ज़्यादा अभी डिफरेंसेस है क्योंकि दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम और यूपी का, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इनको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए अपने मतलब ये नीचे से कोर से स्टार्ट करना पड़ेगा कि जब हमारा कोर अच्छा रहेगा तो बिल्ड करने में चीज़ें अच्छा हो गई। बस हम यही बोलेंगे कि बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट करिए कि पढ़ने के लिए, उनको ये मत बोलिए कि आपको पढ़ना है, ये उनको ये बताइए कि पढ़ने से हमें क्या मिल सकता है और उनसे हमें मिलेगा तो हम आगे क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को क्या हम बेटरमेंट बना सकते हैं। पढ़ाई से बोझ नहीं है, पढ़ाई एक एंजॉय करने वाली चीज़ है, जिससे हम पढ़ेंगे तो चीज़ें हमें पता चलती है, चीज़ों के बारे में हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं लोगों के बारे में तो जुड़ सकते हैं। सॉरी, तो स्माइल फॉर ऑल से हम लोग आए हुए हैं एनजीओ से, तो हमारा मकसद ये है कि हम ऑल ओवर स्पैन इंडिया की बात कर रहे हैं तो उसमें हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हर गरीब बच्चा जो भी स्कूल नहीं जा रहा है, किसी कारणवश नहीं जा पा रहा है, उनके फादर्स या फिर उनके फैमिली इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, तो हमारा ये प्रयास है कि उस गरीब बच्चे को हम एक अच्छी शिक्षा दे सकें, छोटे क्लास से लेके 12th तक की हम पढ़ाई उन्हें करवा सकें, जिससे उन्हें बेसिक नॉलेज हो जाए कि कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ के लिए। अभी तो सर अगर देखा जाए तो ऑल ओवर यूपी और उसके बाद जो भी इंडिया के सारे राज्य हैं और उसके बाद इवन नेपाल और बांग्लादेश दोनों जगह हम लोग कवर कर रहे हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हमारी संस्था कार्य कर रही है। अभी तक जनपद मिर्जापुर में कितने बच्चे लाभान्वित हैं? अगर केवल जनपद मिर्जापुर की बात करें तो 350 के करीब बच्चे भी पढ़ रहे हैं। सर सुविधाएं सर देखा जाए तो हम दो स्तर से देते हैं, जैसे कि हमारी संस्था जो है वो दो स्तर पे ही कार्य करती है, एक तो एज ए वॉलंटियर कार्य करते हैं हम लोग, एक एज ए हैप्पीनेस सब्सक्राइबर कार्य करते हैं। तो एज ए वॉलंटियर हम ये प्रयास करते हैं बच्चों को कि हम बस्ती में जाते हैं, बच्चों को देखते हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उन्हें हम सेलेक्ट करते हैं, उन्हें स्कूल भेजने का कार्य करते हैं और इवनिंग में हम क्लासेस भी देते हैं, कोचिंग क्लासेस भी देते हैं। और जो दूसरा हमारा मॉडल है हैप्पीनेस सब्सक्राइबर का, उसमें जो लोग चाहते तो हैं कि हम कुछ करें बट वो आ नहीं पाते हैं तो उनसे जो है एक वो फीस देते हैं बच्चों के लिए और उसी मॉडल पे हमारा कार्य चलता रहता है। वो सर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारा चैनल है स्माइल फॉर ऑल नाम से और उसी प्रकार से स्माइल फॉर ऑल यूपी का भी चैनल है, तो जो भी लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं वो चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है स्माइल फॉर ऑल नाम से और हमारा फेसबुक भी पेज है स्माइल फॉर ऑल यूपी स्माइल फॉर ऑल, तो ये सारा हमसे संपर्क करने का एक जरिया है जिससे हमसे संपर्क किया जा सकता है और लोग हमसे जुड़ सकते हैं। युवाओं की जरूरत हमें भी है, चूँकि हम भी एक युवा पीढ़ी से लगे हुए हैं तो हम ये चाहेंगे
कि हमारे ऐसे लोग ही इसमें आएँ और लोगों का प्रयास करें कि बच्चे पढ़ सकें। सरकार कह रही है, ये बात सर आपकी बिल्कुल जायज़ है कि सरकार कह रही है कि सारे बच्चों को हम देख रहे हैं, बट क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा तबका रह जा रहा है, क्योंकि जो भी छोटे बच्चे हैं या फिर जो भी ऐसे स्लम एरियाज आते हैं उनके पेरेंट्स इतने जानकार नहीं होते, इतने सिविलाइज नहीं होते कि वो वहाँ तक की जानकारी पहुँच सके या फिर वो पढ़ा सकें। तो ये हमारा वॉलंटियर जो भी हमारा टीम होता है वो कार्य करता है, वो बस्ती बस्ती जाके लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताता है कि आपके लिए आवश्यक है, आप इस तरीके से इन चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। मैं अभी प्रदीप कुमार मौर्य मेरा नाम है और मैं प्रयागराज पहले सिटी कोऑर्डिनेट था, अभी मिर्जापुर को सिटी कोऑर्डिनेट हूं मैं, और यहां पे लगभग हम लोगों ने 250-300 बच्चों का एडमिशन करवाया हुआ है।